डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज क्लास 9 के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो हमने जो आगे के दोनों क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया था, और 13.2 स्टार्ट होने के पहले ही मैंने सिलेंडर का जो बेसिक फॉर्मूला और हॉलो सिलेंडर वगैरह का होता है वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया है, और अगर आपको उसको चेकआउट करना होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और हर एक एक्सरसाइज से पहले उसके फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर एक्सरसाइज से पहले ही फॉर्मूला बता रही हूँ ताकि आप लोगों को लर्न करने में ईजी होगा, समझने में भी ईजी होगा। और अगर इस मतलब स्ट्रेटजी से अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट करते हो तो फिर आपको ये फॉर्मूला आप भूल नहीं पाओगे और ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड मैथ्स एकेडमी को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है। यहाँ ये है कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ हाइट गिवन है, ये पाइप है, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। ये देखो आप, दो है इसमें, तो ये अंदर का जो डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, एंड द आउटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। दो हमें डायमीटर गिवन है जो हमें ये यहाँ दिख रहा है। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, और थर्ड है इसमें टोटल सरफेस एरिया। मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, और तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज गिवन है उसको पहले हम राइट डाउन कर ले। सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ, पाइप का लेंथ इट मीन्स हाइट, हाइट इज 77 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डायमीटर 1, पहला जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 4.4 सेंटीमीटर। तो इससे अगर हम R1 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है तो रेडियस हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 से। अगेन हमारे पास D2 गिवन है, D2 इज 4 सेंटीमीटर, तो हमारा R2 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो यही हमें गिवन है, तो फर्स्ट हमें निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, पाइप का इनर कर्व सरफेस एरिया। तो आप को पता है कि सिलेंडर में सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2πRH, तो जब इनर पूछा जा रहा है इसका मतलब स्मॉल वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7, और R की जगह पे 2। जब आउटर आएगा तो 2.2, क्योंकि वो बिग है तो वो आउटर में होगा, तो 2 × h तो हमारा सेम ही होगा, लेंथ ऑफ पाइप तो 77 ही होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये कट कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 × और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया। सिमिलरली आप इजीली आउटर कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, बस हमारा क्या है कि आर के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2.2 का। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, 2πRH और 2 × 22/7, और आर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.2 × 7 के जगह, ये h के जगह पे 77। अगेन हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 44 × 2.2 × 11, ये आ रहा है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया भी आ गया। थर्ड इसी में हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ध्यान देंगे आप कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे हॉलो सिलेंडर का। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था, हाँ मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया दोनों कर्व सरफेस एरिया 2πRH और 2πRH प्लस 2πR²-R², ये क्या है, तो ये जो बेस एरिया है, बेस तो ये बेस का भी जो एरिया होगा वो भी ऐड होगा, और यहाँ 2 इसलिए लग जाएगा कि ये एक इधर बेस है और एक इधर ऊपर बेस है, तो दोनों के बेस के साथ, तो ये ही फॉर्मूला लगेगा।
इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करोगे और इसी फॉर्मूला से हमारा टोटल सरफेस एरिया यहाँ निकल जाएगा, 2π r1h प्लस 2π r2h जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, प्लस 2π, और यहाँ पे हो जाएगा r2² - r1² अब हम इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। पहला हमारा कितना आया 968 प्लस दूसरा कितना आया 1064.8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे 2 × 22/7 और ये हो जाएगा 2.2 का होल स्क्वायर, 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक बार हम प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे a² - b² से। अगेन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ हमने फॉर्मूला पे तोड़ा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आगे ये दोनों कर्व से सरफेस एरिया को प्लस किया, उसके बाद यहाँ पे 44/7 और अंदर हमने कैलकुलेट किया तो 0.84, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2038.08 cm². तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया भी हो गया और यहाँ आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे मैंने बनाया। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें गिवन है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 cm एंड द लेंथ इज 120 cm। यहाँ पे देखो आप डायमीटर गिवन है तो आप रेडियस निकाल लोगे और लेंथ मतलब क्या हुआ हाइट। आगे है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। मतलब वो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 500 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 500 टाइम्स वो जो रोलर है वो मूव कर रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में देखो आप ना यूनिट पे जरूर ध्यान देना कि डायमेंशन के यूनिट क्या गिवन है। अगर कन्वर्ट करने की जरूरत है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर तो हम एज इट इज बना लेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास रोलर का डायमीटर गिवन है, हम रेडियस निकाल लेंगे और हमारे पास हाइट गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि रोलर जो हुआ उसको ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो वो कर्व सरफेस एरिया की जरूरत है, टोटल सरफेस एरिया की जरूरत नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो फर्स्टली हम उस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और वो जो आया हमारा आंसर कर्व सरफेस एरिया का, वो एक बार वो रिवॉल्व कर रहा है तो, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 500 टाइम्स, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 cm, तो रेडियस हो जाएगा 84/2, इट मींस 42 cm। हाइट क्या गिवन है हमारा, 120 cm, जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। तो नाउ हम निकालेंगे सीएसए ऑफ रोलर, रोलर का सीएसए, क्योंकि इसलिए सीएसए निकाल रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कि एरिया कर्व्ड इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया हो रहा है, तो उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2π r h, इट मीन्स 2 × 22/7 × 42 × 120। हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा 44 × 720, इट मीन्स 3 1 6 8 0 cm². ये सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन हमें मीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है प्लेग्राउंड का। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हम 3 1 6 8 0 / 100 × 100 करेंगे। ये अगर 100 × 100 करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार सेंटीमीटर होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं मीटर करने के लिए, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए हमने 100 × 100 किया है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। और अब हम इसको कट करके निकालते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3.168 m², ये एक बार का रिवॉल्यूशन आ गया। नाउ हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो क्वेश्चन पूछा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एरिया कवर्ड इन 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है वही हमने लिखा है कि हम एरिया ऑफ प्लेग्राउंड तभी निकाल सकते हैं जब 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन निकालेंगे। तो 500 से हम क्या करेंगे, ये 3.168 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1584 m².
यही हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ मैंने कैसे बनाया है। और मैं अगेन आपसे यही रिपीट करूंगी कि जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हो उसके फॉर्मूला को रट जाओ। फॉर्मूला रटने के लिए सबसे पहले बेसिक को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कर्व क्या होता है, टोटल क्या होता है। इससे पहले ही मैंने क्यूब क्यूबॉइड और क्यूब का बेसिक बताया था और अभी मैंने सिलेंडर का बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।